सो हे गाइस, आज की वीडियो जो है दो टॉपिक पर होने वाली है। एक तो S-1 to S-6 को कैसे अप्रोच करना है, और सेकंड जो है वो होना है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो मिले हैं इंडियन एयरफोर्स को, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये SSP के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपका SSP आ रहा है तो इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पता करके जानी चाहिए। थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने 8-9 दिन पूजा पाठ करी होगी, आराम से मस्त रहे होंगे। फास्ट रखा है तो बहुत अच्छे, और नहीं रखा है तो भी बहुत अच्छे, वेरी गुड डे सब। ठीक है, और मस्त पूजा करके आज प्रे करेंगे कि हम लोग सफल हों, है ना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो S-1 to S-6 को लेके जब मेरे को पहले दिक्कत आई थी ना, क्योंकि ऑब्वियसली शुरुआत में तो दिक्कत सबको ही आती है, तो S-1 to S-6 को लेके, एक तो बड़े बड़े होते हैं, समझ में ही नहीं आता कैसे करें, और मेरे को लगता है सबसे टिपिकल चीज़ थी, और 10 क्वेश्चन आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यूट्यूब पर कैसे बताते हैं, बताएं, S1 को देखो, उसमें से वर्ड मैच करो, और वही PQRS में से कहाँ से मैच कर गया, S से। देखो P, S1 के बाद अब क्या आएगा, S, तो पहला वाला ऑप्शन S ही आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। दो मिल रहे हैं तो फिर नीचे से देख लो, S6 आ रहा है, S6 के बाद कैसे आएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। सही बात ये है कि जब तक आपको सारे पढ़ नहीं लेंगे ना, तब तक कर नहीं सकते, है ना। कंजंक्शन विजंक्शन वो केवल एक क्वेश्चन में लग जाएगा, वो भी अगर आपका भाग्य अच्छा होगा तब के वैसा क्वेश्चन आ गया। नॉर्मली जब तक आप 6 सेंटेंस पढ़ नहीं लेंगे ना, जब तक लगा नहीं लेंगे ऑप्शन सेट करके, तब तक नहीं होने वाला है। ठीक है, बट अब 6 सेंटेंस पढ़ के भी नहीं हो रहा है, ये भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी आ रहा है कि 6 सेंटेंस हमने पढ़ लिया तो फिर आ गया। ठीक है, आपने ऑप्शंस को करके देखा, कभी कभी 2 ऑप्शंस में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पूछो मत। तो फिर इसके लिए अगर आप बेसिक से करना चाह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे कहाँ से, बिल्कुल लो लेवल के। लो लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, MTS की। ठीक है, SSC MTS में PQRS जो आते हैं वो बिल्कुल छोटा लेवल होता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे, वो अगर आप इजीली कर पा रहे हैं, तो उससे नीचे नहीं होते भाई, हैं MTS से नीचे, तो CHSL, फिर CGL पर या CPO, दोनों बराबर। ठीक है, उसके बाद में CDS। ठीक है, और अगर CDS के वहाँ से आप करते जाएंगे ना छोटे छोटे करके, MTS, CHSL, CGL और ये वाले, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है, अगर आपको ये टफ लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार बैंकिंग के जाके देखिए। बैंकिंग में क्या है, जो S-1 to S-6 इसमें जो दिया हुआ ना, ठीक है, उसमें तो ये भी उन्होंने ABCDEFG करके दिए होते हैं ना, F तक दिए होते हैं 6, उनको अरेंजमेंट करना है। हमारे 4 करने में हालत ख़राब हो जाती है, उनमें 6 करने हैं, और वो भी टफ लेवल के होते हैं बैंकिंग में। ठीक है, तो वो भी दिक्कत है। तो कुल मिला के CDS में तो हमें ऊपर नीचे के मिल रहे हैं, तो ये इजी पार्ट हो जाता है। सेकंड जो बेसिक अप्रोच मेरे को लगती है, ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। ऑप्शन में जैसे मेरे को, मैं ज़्यादातर अपनाता था कि अगर 2 ऑप्शन PP से स्टार्ट हुए हैं, तो मैं खुद ही P से पढ़ना स्टार्ट कर देता। 2 ऑप्शन Q से स्टार्ट हुए हैं, और 2 बाकी के अलग से स्टार्ट हुए हैं, तो मैं क्यू वाले को पहले पढ़ता था, है ना। जैसे 2 ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हुए हैं, 2 ऑप्शन आर से स्टार्ट हुए हैं, तो मैं क्यू और आर से ही देखूंगा ना, मैं PS क्यों देखूंगा, स्टार्ट करूंगा जब S1 के बाद। तो ये बेसिक अप्रोच हैं जो आप ऑप्शंस को लेके कर सकते हैं केवल। उसके बाद में कनेक्टिविटी जैसा आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जब आप ये सीख जाएंगे, तो इसकी जो बेसिक ज़रूरत है वो है आपकी केवल प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आएंगे, और मेरा यकीन मानिए, जब तक आप 6 सेंटेंस नहीं पढ़ लेंगे, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट फंडा नहीं है, मेरा मानना तो यही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पता है तो आप बता सकते हैं। सेकंड चीज़, इसमें दिक्कत आती है टाइम टेबल की, टाइम की, कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यकीन मानिए, अगर आप 20 मिनट में 10 कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर 20 मिनट में 10 करेंगे, तो वोकेबलरी के जो पार्ट है ना, उसमें से आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला टाइम आप इसमें लगा सकते हैं, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो वो टाइम कहाँ जाएगा। S-1 to S-6 पैसेज क्लोज इनमें ही जाता है ना, तो S-1 to S-6 अगर आप 20 मिनट में 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो इत्मीनान से जितना कर पाएँ उतना करिए। अगर आपने एक बार पकड़ लिया ना, तो आपके 10 में से 8-9 तो हमेशा सही जाएंगे, और मेरे भी लगभग इतने चले जाते हैं। और S-1 to S-6 की आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करेंगे। लेकिन अगर आप 0 लेवल से हैं, तो MTS, CHSL, CGL, CPO ये करेंगे। ठीक है, तो S-1 to S-6 को लेके अगर आपके कोई भी डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो का।
सो हे गाइस, इंडिया को जो मिला है वो मिले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब एसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ आए हुए हैं, इसका नाम क्या रखा गया है। जैसे अभी जो है इसका नाम प्रचंड रखा गया है, ठीक है, और कहाँ आए हैं, जोधपुर में आए हैं। किसने बनाया है, हाल कंपनी ने बनाया है, आई थिंक हिंदुस्तान एरोनॉमिक्स लिमिटेड ऐसे करके नाम है। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमारे पास अपाचे भी है ऑलरेडी, और ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, और कारगिल के टाइम पे इनकी ज़रूरत आन पड़ी थी, क्योंकि ये पहाड़ पर जाने के आराम से निशाना लगा सकते हैं। ठीक है, और हल्के हैं तो ऑब्वियसली फ्यूल खर्चा वगैरह वो भी कम आएगा, और हमने खुद से बनाया है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुए हैं, खुद से बनाया है, तो फिर हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए भी आ सकता है, अगर इसने बहुत अच्छा काम किया तो, है ना, तो उससे भी हमारे देश की तरक्की होगी। तो एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है हमारे इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है, जोधपुर में आए हैं तो कितने आए हैं, कितने बनेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं। और नहीं देने जा रहे हैं तो केवल अगर आप सीडीएस का करेंट अफेयर्स करेंगे ना, तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप इसके बारे में कोई भी 5-10 मिनट की वीडियो जो भी जहाँ से भी चाहें आप देख सकते हैं, और अपनी जानकारी और करंट अफेयर्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता दीजिए, क्योंकि मेरे को टॉपिक सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और समझ नहीं आता किस पर टॉपिक बनाएं, वीडियो बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक पर वीडियो जो है वो बन चुकी है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, तो आप नीचे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर ज़रूर सोचूंगा, अगर नहीं बनाई होगी तो। ठीक है, तो बाय।